कुतुब विहार फेज टू छठ घाट पर निरंतर 2000 आदमी का भोजन व्यवस्था श्री शैलेंद्र पांडे के नेतृत्व में किया जाता है। 16 तारीख को शैलेंद्र पांडे जी ने खीर पूरी और सब्जी की व्यवस्था की, जिसमें 2 से 2500 आदमियों ने भोजन प्राप्ति की, जिसमें शैलेंद्र पांडे जी ने डिस्टेंस को मेंटेन किया और उन्होंने बताया कि सभी लोग ज्यादातर झुग्गी झोपड़ी को ही टारगेट करते हैं, लेकिन कॉलोनियों में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अपना खाना खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। इसलिए उन सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने छठ घाट पर यह भोजन व्यवस्था प्रतिदिन के लिए चालू कर रखी है और सबसे निवेदन करते हैं कि प्रतिदिन आकर व्यवस्था के साथ अपने भोजन को प्राप्त करें। आपके मीडिया के माध्यम से मैं सबसे पहले सभी बंधुओं को नमस्कार करता हूं और साथ साथ मैं बताना चाहता हूं कि आज 9वां दिन है हमारे इस भोज महाभोज की आयोजन का और डे बाय डे हमारा संख्या यहां पर बढ़ रहा है। जैसा आज देख सकते हैं राजेंद्र जी, इतना बड़ा तालाब है, 22 बीघा जमीन में तालाब है और इसमें 3 तरह से पब्लिक खड़ी है और 6 बजे से भंडारा चालू है। अभी 8 बज गया, अभी भी 2 तरफ पब्लिक खड़ी है। पब्लिक अपार संख्या में आ रही है क्योंकि कुतुब विहार एरिया में करीब करीब 1 लाख लोग रहते हैं और कुतुब विहार फेज वन फेज टू में ऐसे घर के लोग हैं जो बेचारे न चाहकर भी मजबूर होकर किसी भी तरीका से अपनी रोजी रोटी की जुगाड़ जो ख़त्म हो गया है दिल्ली में लॉकडाउन के चलते, वो अपना ज़िंदगी कैसे बसर करेंगे। झुग्गी में तो बहुत सारे लोग जा रहे हैं बांटने के लिए, लेकिन झुग्गी में झुग्गी के लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन कुतुब विहार फेज वन फेज टू के जो लोग हैं वो बेचारे शर्म के बारे एक तो जा नहीं रहे लेने के लिए भोजन। लेकिन कुतुब विहार छठ घाट पर मैं उनको भी आह्वान करता हूँ कि अगर आपको दिक्कत है तो आप आइए और भोजन ग्रहण करिए। उसमें से काफ़ी परिवार से लोग आ भी रहे हैं, उनकी मजबूरी है, इसके बावजूद भी आ रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप लोग शांति का दान दें और हमें सहयोग करें और जिनके घर में भोजन नहीं है, चाहे वो कॉलोनी में रहते हैं, झुग्गी में रहते हों, डेयरी में रहते हों, वो आए और शाम का भोजन यहाँ से ले जाएं। यहाँ पर एक परिवार केवल आए और पूरे परिवार का भोजन ले जाए, ये सिस्टम यहाँ पर चल रहा है।